वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। और आज ये तगड़े ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, जैसे कि हम जा रहे हैं ट्रिप पे उज्जैन। बने रहे वीडियो में, आगे दिखा तुम्हें भी। तो ये निकाले अपन अपनी फटफटू, अभी इस फटफटू से चलेंगे। मैं और आशिक, हाँ आशिक बताओ कुछ अपनी ऑडियंस को। तो अपन ये कहते हैं कि ब्लॉग में बने रहें, यहाँ के सब कुछ अपन दर्शन करवाएंगे। अपन ले जाएंगे पपीता भी साथ में। तो ये करेंगे, ये देखो देसी डाइटिंग है हमारी जी। जम के खा थी ना, फिर भी इनकी बॉडी नहीं बने। और मैं नहीं खाऊं फिर भी तना ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। गाय साहब, हम पहुंच गए हम सिहोरा रोड रेलवे स्टेशन। तना ठंडे उसी लगा थी यार। और आज तक अपन कहाँ चल रहे हैं? अपन चल रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। कहे कि जो नए मुख्यमंत्री जी है ना, उनसे मिले, उनसे तना भेंट बधाई दे में जा रहे हैं। बधाई दे में जा रहे हैं। और बधाई क्या ने देखा, हम पपीता लाए हूँ। तो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन आ गई है और अपन अब बैठ के जाएंगे उज्जैन। उज्जैन का ही किराने बताई थे उन वीडियो में पहले। तो ये चल रहा है अपना खाना, ये है पूड़ी, ये आशिक अचार लिया है और पूड़ी खा रहा है। ये अपना आशिक है, ये अपने आनंद महतो जी, और ये अपने अजय पटेल भाई, और ये उनके साथी निखिल। सब लोग अपन चल रहे हैं साथ में। एक ही सूर्य दिखा दे, ये देखो गाइस हमारी तो सीट है लेकिन हमने किसी एक सज्जन व्यक्ति को दे दिया है, लेकिन हमको और हम दोनों एडजस्ट हो गए हैं। अब हमको ठंड लग रही थी ना, तो एक ही में एडजस्ट हो गए हैं। और तुमको पता ही है कि दोनों में प्यार कितना ज्यादा है, ऐसे भी तुमको पता ही होगा, वीडियो में भी देखते ही हो हमको, और छोड़ ही नहीं सकते ना यार एक दूसरे को। हाँ हमारे गाँव के महतो जी है मालगुजार, ये देखिए लगता है राव दुलाजू का कंबल ले आए हैं, देखिए बिल्कुल। तो गाइस बिल्कुल 16 घंटा के लंबे सफर के बाद हम पहुंच गए हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी। अब चलो आपको दर्शन कराएंगे महाकाल के। ये हमारे मैनेजर साहब, और इस साल ब्याह भी होने वाले, इसके बाद इसका लेके चलो, ठीक है, ये करते रहते हैं। तो अपन अब खा रहे हैं पपीता, दिखाई दे शुद्ध देसी अपन खाई रहे हैं। माँ तो काट रहा हुआ, माँ तो ही गया। काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद अब हम आए हुए हैं होटल में रूम देखने। तो देख रहे हैं क्या कितने में हो रही बात, बने रहे हैं और बाकी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगने को। तो गाइस अपन अपना जो रूम था ना वो बुक कर लिए हैं, देखिए। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नहाने। ये देखो झुल्ला में लाए कपड़ा लगता है। अपन गाँव वाले आ तो अपन तो ऐसे ही रह सब कहूँ। अब इधर नहा भी, सफर भी, खोर भी सब करा भाई, कूद अब भी। तो फाइनली अपन नहा लिए हैं और से तेल भी चुपर लिए, पटियां भी पार दिए। अब जाइए महाकाल के दर्शन करने, और आपको भी दर्शन कराएंगे। ब्लॉग में बने रहना लास्ट तक। तो बहुत ज़्यादा मोल भाव करने के बाद अब अपनी ऑटो बुक हो गई है, इसको क्या बोलते हैं, टुर्री बुक हो गई है। तो अपन जाएंगे काल भैरव मंदिर दर्शन करने। फाइनली गाइस हम लोग पहुँचे हैं काल भैरव मंदिर बाबा के दर्शन करने। और यहाँ अभी आधा किलोमीटर दूर से ही लाइन लगी हुई है, दिखाएंगे आपको। देखो ये जो लाइन लगी दिख रही है, ये यहीं से लगी हुई है, मंदिर आधा किलोमीटर आगे है। कैसे दर्शन मिलेंगे अब, हम तो यही सोच रहे। ये देखो अभी बजे हैं 3 और हम लग गए हैं लाइन में, देखते हैं कितने बजे दर्शन मिल पाते हैं। फिर भी यहाँ दर्शन करने को मात्र थोड़ा ही मिला, कुछ ही सेकंड के लिए।
इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतने फास्ट दर्शन करा रहे हैं। हम लोग अब जा रहे हैं अपने रूम की ओर, देखते हैं, रास्ता भटक चुके हैं, शायद मिल जाए जल्दी। तो बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत जाम आम लगा हुआ है। तो गाइस एक बार फिर अपनी टीम जा रही है, अभी गई थी काल भैरव के दर्शन करने, अब जा रही है महाकाल के दर्शन करने। तो बने रहे ब्लॉग में, अब आपको महाकाल के भी दर्शन कराएंगे। ये अपना आशिक और ये महातो जी, अजय, अनिल और ये एक और भाई जो अपने साथ में जुड़े हुए हैं, निखिल। गाइस हमको फाइनली प्रभु महाकाल के दर्शन हो गए हैं। हम लगभग 6 बजे लाइन में लग गए थे और अभी बज रहे हैं 8, मतलब 2 घंटे में दर्शन मिल पाए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग महाकाल लोग घूम रहे हैं, देखिए आप सब लोग, मैं भी घूम रहे हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ, अपने पूरे साथ ही घूम रहे हैं जो अपन 6 लोग आए हुए हैं। देखिए, अगर आपने अपनी लाइफ में एक बार नहीं देखा तो फिर क्या देखा, इसलिए अपने माता पिता एवं सभी को यहाँ लेकर आए। बहुत ही एक सुंदर नज़ारा है।
दोस्तों फाइनली हम लोग दर्शन कर चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग ये जो पूरा अपना महाकाल लोक बना है कॉरिडोर उसके दर्शन कर लिए हैं और आपको भी दिखा दिए। और बने रहे ब्लॉग में, अभी क्या होता है, अब हम जाएंगे अपने रूम, खाना पीना खाएंगे और फिर दिखाते हैं और आगे क्या होता है। नाइट में ना बहुत ज़्यादा ही मज़ा है, नाइट में देखे आओ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नाइट ही में आने कोशिश कर रहे कि नाइट में आवा तुम। तो जो हमारी ये टीम है ना घूमने आई थी, ये बहुत ज़्यादा थक गई है, बहुत परेशान हो गई है, तो अब इन्हें तो ऐसा लग रहा है कि केवल रूम में जाके सो जाएं बस। लेकिन खाना खाना है, खाना खाएंगे और बस लौट ही जाएंगे ऐसा लग रहा है। और मोबाइल चार्ज करेंगे, फोटो भी नहीं खिंचवा रहे अब, जो कि मेन काम है कहीं घूमने जाओ तो, लेकिन वो भी नहीं करवा रहा है। अब सोच सकते हो कितना थक गए। तो भाई सब हम लोग आ गए हैं खाना खाने, होटल का खाना खाएंगे। यहाँ ये बैठे हैं अपने मित्र, एक मित्र अपना नहीं आया है, वो पता नहीं क्या उसका काम है थोड़ा। तो हम लोग खाना खा रहे हैं, फाइनली दोस्तों हम लोग नहा के तैयार हो गए हैं और अब जाएंगे यहाँ से रूम चेकआउट करेंगे। जो अपना उज्जैन का ये ब्लॉग है वो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। क्या है, कहीं और भी जाएंगे नहीं तो ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा, इसीलिए बाय बाय।